हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, समस्त छात्र छात्राएं जो परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, चूँकि जो दोस्तों कोरोना वायरस के दृष्टिगत 23 मार्च से लेकर अभी तक तो 22 मार्च तक अवकाश घोषित हुआ था राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन 23 मार्च से ऐसा माना जा रहा था कि परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षाएँ संचालित होनी हैं। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरस के दृष्टिगत राज्य सरकार ने 2 अप्रैल तक अवकाश घोषित कर दिया है। ऐसी अवस्था में परीक्षाएं अब नहीं हो पाएंगी। इसकी अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार ने एक आदेश जारी किया है और उस आदेश के तहत अब समस्त छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का दोस्तों आदेश जारी कर दिया गया है। तो आते हैं दोस्तों पूरी की पूरी न्यूज़ और वो आधिकारिक शासनादेश भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिसमें ये बात कही गई है। दोस्तों, ये लेटर है, प्रेषक इसकी है रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5, लखनऊ, दिनांक 17 मार्च 2020। विषय है नोबल कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के कारण प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अन्न बोर्ड के सभी विद्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में निर्देश। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के पत्र संख्या 229/68-5-2020 दिनांक 13 मार्च 2020 द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालय निजी विद्यालयों सहित दिनांक 22 मार्च 2020 तक बंद रखने एवं परिषदीय विद्यालयों में पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथियों दिनांक 16 मार्च से 23 मार्च के मध्य के स्थान पर 23 मार्च से 28 मार्च के मध्य कराए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 16 से 23 मार्च के बीच में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षाएं थी, उसके स्थान पर 23 मार्च से 28 मार्च के मध्य कराए जाने का निर्देश दिया गया था। दूसरा बिंदु ये कहता है कि सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों जिसमें निजी विद्यालय भी शामिल हैं को दिनांक 2 अप्रैल 2020 तक बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। तीसरा बिंदु ये कहता है उक्त के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की दिनांक 23 मार्च से 28 मार्च के मध्य आयोजित होने वाली परीक्षाएं भी एतद द्वारा निरस्त करते हुए समस्त छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भवदिया रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों, बच्चे बिना परीक्षाओं के अगली कक्षा में प्रोन्नत हेतु आदेशित हो गए हैं। ये दोस्तों वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भाई बहनों तक प्रेषित अवश्य कर दें ताकि उनको सूचना मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।